हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रतिभा। मेरे चैनल कानपुर किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही हेल्दी चना चटपटी। इसे आप नाश्ते में भी बना सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम इस चना चटपटी को बनाना शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चना चटपटी बनाने के लिए मैंने एक कटोरी ये काले वाले जो चने आते हैं, ये देसी वाले जो छोटे चने होते हैं, मैंने यहाँ पर वो लिए हुए हैं। आप इससे थोड़े से बड़े चने आते हैं वो भी ले सकते हैं। और इन्हें हमने रात भर सोक करके रखा हुआ था। इसके बाद कुकर में इसे 1 से 2 सीटी आने तक बॉयल कर लिया हुआ है। और यहाँ पर हमने कुछ प्याज और टमाटर वगैरह भी कट कर लिए हुए हैं। अब हमने गैस में एक नॉनस्टिक पैन रखा हुआ है, उसमें हम 1 चम्मच के जितना तेल डालेंगे, बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में ऑयल डालना है हमें। और मीडियम फ्लेम में हम इन चनों को इसी तरीके से लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। साथ में हम नमक डाल देंगे। अगर आप चने बॉयल करते टाइम नमक पहले डाला हो तो नमक ना डालें। ये देखिए, हमने इन्हें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया हुआ है और ये हमारे चने अच्छे से भून गए हैं। और अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो चने हमारे जब ठंडे हो गए हैं, तब हमने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाली हुई है और 1 चम्मच के जितना हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा काला नमक डाला हुआ है और मिला देंगे अच्छे से इसे। बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, बारीक कटे हुए टमाटर और थोड़ी सी हमने बारीक कटी हुई मूली डाली हुई है। हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटा हुआ और बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। साथ में हम डालेंगे आधा नींबू का रस और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। अगर आपको मूली या कोई चीज़ नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये हमारी बहुत ही स्वादिष्ट झटपट चना चटपटी बनके तैयार है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से मिलती हूँ किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।